हर जगह से भोले बाबा और बसहा बैल को जल पिलाने दूध पिलाने का वीडियो आ रहा है। कई जगह से देखने को मिल रहा है कि बसहा बैल को लोग चम्मच से दूध पिला रहे हैं, लोग चम्मच से पानी पिला रहे हैं और बसहा बैल पानी पी रहा है, जिसको लेके काफ़ी लोगों में चमत्कार जैसा माहौल है। लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि किस तरह से लोग भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं और भगवान को जलाभिषेक करने के बजाय भगवान को जल पिला रहे हैं, चम्मच से पिला रहे हैं। ये तस्वीर दिग्घी से आई है सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर बसहा बैल को चम्मच से दूध और पानी पिलाया जा रहा है। वहीं क्वारी से भी एक तस्वीर आई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर में लोग चम्मच से दूध पिला रहे हैं और बसहा बैल धीरे धीरे करके पी रहे हैं। लेकिन अब इसका क्या मामला है, ये तो साइंटिफिक रीज़न क्या होगा, लेकिन क्या ये चमत्कार है या हर दिन ये हमेशा ऐसा होता है, या फिर इन दिनों सावन के दिनों में ऐसा हमेशा ऐसा ही क्यों देखा जाता है कि सावन के दिनों में ही बसहा बैल जल या दूध पीने लगते हैं। देखिए पूरा वीडियो। इस बात के लिए यहाँ पे भीड़ लगा था, बताइए क्या हुआ था? भीड़ लगा कि पटोरी सुपर से फोन आया, हाँ। बोले कि से तोरा यहाँ मंदिर है, हम कहे हाँ है, हाँ। तो गौ माता के पानी पिया के देखिए से पानी पी रहा है, गौ माता तो हमको यहाँ है नहीं है मंदिर पर, तो बिना गौ माता के कहीं मंदिर होबे नहीं करता है। बस तो हम आए, नहीं बाहर नहीं ना है, सब तो बाहर आते हैं, तो हम आए तो माई जी के बोले कि सुना चलो तो मंदिर पर पानी पिया, ऐसे गौ माता पानी पिया छी, तो कहिन कि से क्या कौन कहो लगो ये दीदी का से फोन आ फेसबुक पर भी देखे हैं, तो हम नहीं किसी को हल्ला किए, दीदी बोले तो हम आपसे हकीकत मान लिए, तो जब आए तो सासु माँ से बोले पानी पिया तो बोला कि कहाँ से पानी लेवे, तो माँ जी बोला कि अंदर से ले आवा, तो सब दिन जल चढ़वैले तो लोग कहियो ना पानी पिए थी, नहीं पानी पीती ना कि पीती पानी, तो जब मम्मी जी पानी पियाए दो चम्मच पी गए, दूसरे चम्मच धीरे धीरे पानी डाले, पिया के हट गए तो हम पियाए, तो हमको तो भी पी लिए पानी, सरल आदमी पियाए पानी पी रहे थे, हाँ पी रहे थे, चारे आदमी रही के साथ क्या हुआ से बताइए, आप क्या किए? उनको पानी पिलाया, हम कहे कि से अगर बस क्यों चमकदार होगा तो पानी पी लेगा हमको, हाँ से तो पानी पी लिए, हम सबको हल्ला कर देंगे कि पानी पिलाइए। कितना कितना चम्मच? हम चार चम्मच पानी पिलाए, पी गए पूरा, हाँ। और कितना लोग पिलाए यहाँ? ऐसे तो दस आदमी पिए हैं हमको सामने, हमको सामने दस आदमी पिलाया, हम चल गए, हमको सामने दस आदमी पिलाए थे। ये कैसे देख रहे हैं इस चीज को जो हो रहा है, क्या कहिएगा इसको, ऐसा संभव है कि पत्थर पानी पिएगा? हाँ पिए पानी गौ माता, तुम क्या करें, पिए पानी पी गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रीना देवी। पानी पिलाने एक लेडीज पिला रही थी, तो हाँ। उनको बोली कि नंदी बाबा के हमको पहले जरुआ से खबर आया था, चाहे अच्छा। उसको कोई फोन किया था वहाँ पी रहे थे, हाँ। तो वो हमको बुलाई कि आइए आप भी पिलाइए, बाबा को मनाते हैं जब पी रहे हैं दूध जल पी रहे हैं, तो आप भी आइए, कष्ट हरेंगे भोले बाबा, सावन का आज पहला है, कल सोमवारी है, आज नहा खा है, तो आए तीन लेडीज हम लोग पिलाए, सब आदमी देखे, सभी लोग आए अपना अपना दूध लेके, सब अपना अपना घर से जल दूध लेके आए पिलाए, पी रहे बाबा थे। पी रहे हैं, अच्छा चमत्कार हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था आपके वहाँ पे, कैसे चम्मच दिए तो ये लोग बोले कि समाने उनको मुंह में सटाइए, तो मुंह में सटावे के पहले जैसे पानी जल पहले खींचा गया, फिर हम डुबाए चम्मच तो फिर भी जैसे माने पानी खींचा गया, फिर तीसरा चम्मच उठाए तो हल्का सा पानी बुझबुझा के रह गया, तभी हम दिए, और बाद जैसे फिर पानी उठाए हम कहे जब पिलाएंगे तो पाँच पिलाएंगे पाँच चम्मच, तो माने अढ़ाई चम्मच तो बढ़िया से पी लिए, मारे दो चम्मच वाला में कम पी लिए। ठीक, क्या नाम है आपका?